गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज सलमान, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग सलमान व्लॉग। सो फाइनली मुकम्मल ऊपर वाले के शुक्र से सोकर उठ गए, और सोकर उठते ही सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर उससे पहले मैं आपको चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, ये है कि ये जो हमारा रूम है यहाँ लगाने वाला हूँ मैं पूरा ब्लैक वॉल, और ये सारे सेटअप आ गए, इधर ही बैठकर वीडियो बनाऊंगा। ये गद्दा वद्दा सब हटा देंगे, यहीं पर ही बैठ के वीडियो बनेंगी आज। तो पहले चलते हैं, नाश्ते का सामान वगैरह लेकर आते हैं, बिकॉज सारा नहीं एक दो सामान ख़त्म हो रखे हैं, वो ले आते हैं पहले, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। तो चलते हैं बाहर, पहले सामान मैं सब कुछ लेके आ गया हूँ, साथ में 1 किलो मैंने बाजरा भी ले लिया। मैंने कहा यार बाहर कबूतर वगैरह बैठते हैं ना, तो थोड़ा बहुत उनको डाल देंगे, वरना भूखे होते हैं यार। तो अब थोड़ा बहुत बाजरा हैंड टू हैंड डाल देते हैं। अभी मैंने सिर्फ थोड़ा सा डाला है यहाँ पर, मैंने कहा यार कभी नीचे ना गिरे, हल्के हल्के हाथ से डाल दिया। इधर ही इतनी सी देर बाजरा डालने में ये हाल हुआ है, पसीने पसीने आ गए सारे। ब्रेकफास्ट करने की तैयारी, बेकर्स के साथ आज हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, सिंपल सा बस। तो अब है हमारे हाथ में हथौड़ी और कुछ क्लिप्स, क्या करने वाले हैं दिखाते हैं, क्या करने वाले हैं। तो हम करने वाले हैं कुछ ये कारस्तानी, पर्दा यहाँ पर लगाते हैं बैकग्राउंड पर, ये पर्दा चलाना है हमें। फाइनल स्टेज पर हमारा लग गया है पर्दा यहाँ पर पूरा, अब यहाँ पर एक एक क्लिप और लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल फिट रहे। काम करते करते पूरा दिन बस ऐसे ही बीत जाता है, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो, कभी लगातार इधर काम हो और घर की साफ सफाई लगातार हमारी चल रही थी। मुस्कान ने खैर सब कुछ साफ कर लिया है, अब फाइनली टाइम हो गया हमारा लंच करने का, शाम के 6:15 बजे, जो कि थोड़ा बहुत थोड़ी थोड़ी भूख है, बस जो भी है मिटाने की कोशिश करेंगे खा लेंगे बस। काम तो मैं आज यहाँ स्टूडियो में नहीं कर रहा, काम मैं कर रहा हूँ वही वाले रूम में। होने वाला है हमारे कुछ आलू की कटली, साथ में रोटी, चटनी, कबाब, सही है। क्या खाना तुम पसंद करोगी इसमें से? सब खाओगी? चलो मुझे भी खा जाओ साथ ही साथ में, ना मैं रहूँगा ना छुट्टी ख़त्म, कहानी निशानी गई, बस वीडियो देख देख के याद करना। शट अप। अब खाते हैं जी पहले खाना, एक चीज़ दिखानी भूल गया, खाना खाते खाते खतरों के अनाड़ी देखा जा रहा है। क्या हुआ खतरों के अनाड़ी? हम खा रहे थे खाना, खाना खाते खाते सडनली क्या सीन हुआ दिखाता हूँ अभी आपको। देखो मैजिक, इतनी तेज़ बारिश, यानी कि मैं अभी बाहर गया था काम से, वहाँ से मैं आया लौट के, तब तो मौसम ज़रा ठीक हो रहा था, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मुझे बारिश होगी, मगर कहते हैं कि भाई ऊपर वाला चाहे कुछ भी कर सकता है, बस बारिश के मज़े ले रहे हैं। फिलहाल तो सारी गैलरी गीली हो गई है, और अब मैं चेयर लेकर बैठूंगा यहाँ गैलरी के पास ताकि बारिश के मज़े ले सकें। ओहो, मज़ा आ गया यहाँ पर आराम से बैठकर। जब काम ज़्यादा हो, सर पर लोड हो हद से ज़्यादा, तो इस वजह से थोड़ा बहुत इस तरह से आराम भी कर लेना चाहिए। बारिश तेज़ हो रही हो, हल्की हल्की सी फुहार लग रही हो फेस पर, और बैठे हुए जस्ट चल कर रहा है, मजे ले रहा है। और यहाँ गैलरी पर देखो, मतलब कैसे ग्रिल के ऊपर पानी 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 की बूंदे बूंदे हो गई हैं भाई, अच्छा लग रहा है यार काफ़ी। देखो कैसे हो गया बिल्कुल, सब जगह पानी पानी। टाइम हो रहा है रात के 9:15 बजे का, और मुझे अभी जाना पड़ रहा है अर्जेंटली मार्केट। रीज़न सिर्फ एक ये है कि जो लाइट है ना यार, पूरी अब प्रॉपरली जो है ना ख़राब हो रही है। जब मैं वीडियो बनाने बैठ रहा हूँ तो टिमटिमा रही है, मतलब ये मानो कि वीडियो में पूरा अंधेरा हो रहा है, जिससे काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए मैंने फैसला ये लिया कि भाई ये तो काम ही है, अर्जेंटली मुझे लेके आनी पड़ेगी मार्केट से जाके। तो मुस्कान और मैं हम दोनों निकलते हैं लाइट वगैरह लाने के लिए, और ये जो लाइट है अगर ये ठीक हो सकेगी तो उसको देंगे दोबारा, क्योंकि पैसे दिए हुए हैं, एटलीस्ट ये लाइट ठीक हो जाए और फिर नई लाइट लेकर आते हैं अच्छी सी जो कि यहाँ लग सके। मतलब लाइट नहीं, खाली वो बल्ब लेके आने हैं, बाकी मैं होल्डर का सब कनेक्शन बना लूँगा यार, खुद ही कर लेते हैं सारे काम। वीडियो बनाने के लिए मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया, जब मैं कभी वीडियो बना रहा हूँ अब वो वीडियो जा रहा है मेरा 3 मिनट से ऊपर, और 3 मिनट ये कंटिन्यूसली चल नहीं रही, एकदम बंद खटक। देखो अभी चल रही है ऑटोमेटिकली पूरी, हो साले बंद, पता नहीं कितना टाइम लग जाए मार्केट में, देखते हैं जितना भी टाइम लगे, फिलहाल लेके तो आना ही पड़ेगा, बिकॉज वरना अगर नहीं लेके आए तो काम रुकेगा। तुम्हारी सिंगारा पट्टी होनी स्टार्ट हो गई है, बुरखा पहन रही हो, चलो जल्दी चलो आ जाओ, बस हो गया काम, आ जाओ। तुमने कभी लगाया ही तो तुम अब लगा रही हो ये, चलो आओ। अरे यार इतना टाइम मत लगाओ, जल्दी आओ फटाफट, बल्ब लेने उस दुकान बंद कर देगा फिर वो। तो बस सामान लेके जल्दी से निकलते हैं। सामान क्या लेना है, वॉलेट वगैरह लेना है मुझे, वॉलेट और चाबी। अरे मेरा वॉलेट कहाँ गया, वॉलेट कहाँ है मेरा, मुझे नहीं पता।
वॉलेट कहाँ चला गया पता नहीं यार, अपना खुद का ही पॉपअट करवा लिया। वॉलेट मैंने डिग्गी में डाला था अपनी स्कूटी की, डिग्गी में रह गया और मैं ढूंढ नहीं आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यार मेरा वॉलेट कहाँ चला गया, ओ माय गॉड, डिग्गी में से निकालना पड़ा। गेट कर देते हैं बंद, लॉक, ये गेट तो खुला रहेगा, पंखा बंद कर देते हैं बस। चले यहाँ से कुंडी लगा देना, कुंडी लगा दो। क्यों नहीं लगती, देखो लग गई प्रॉपरली, चलती रहे, चलती क्या रहेगी यार, इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, अंधेरा। तो रिटर्न वापस जाकर आ गए अपने घर को, और जो हमारे बल्ब थे वो सारा काम सॉर्ट आउट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। क्या चीज, ये बल्ब है वो मैंने ठीक करा लिया, एक बल्ब इसके अंदर है और एक ये बड़ी वाली लाइट है। ये लाइट मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा खोल के अच्छे से, क्योंकि लाइट का फोकस खतरनाक है 50 वोल्ट में। मैंने कपड़े धोए हैं। कौन से कपड़े धोए, यहाँ पे मैंने कपड़े धोए, तुम्हें तुम्हारे तुम्हें दिख नहीं रहा मैंने कपड़े धोए, कैसे तुम भागती कह रही हो। चला की हमसे चला की तार टूट गया, तार कैसे बदतमीजी बना गया, तार टूट गया, देखो टूट गया तार, तुम्हारा तुम्हारी वजह से टूटा तार, हटो तो तुम कपड़े पे क्यों चढ़ लेते, निकलो अब यहाँ से, बहुत देर हो गई है। ये एक बल्ब लेके जाते हैं और उसमें लगा के देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है। करें स्टार्ट, 1 2 3, ओ वाओ चल गया, देखो क्या जुगाड़ करके मैंने लगाया, यहाँ होल्डर बांध दिया मैंने, मैंने कहा अभी तो फिलहाल ऐसे काम कर लेते हैं। कैसा हो रहा यार, मतलब कैसा लग रहा है कैमरे में, अजीब सा, देखो सही है लाइट, बढ़िया है, इसको बंद कर देते हैं अब ऐसे करके। ये लाइट तो वैसे मुझे हल्की लग रही है, अब इसके अंदर मुझे एक जुगाड़ करना पड़ेगा, जुगाड़ ये है कि इस वाली लाइट को अब ओपन करते हैं, इसको असम्बल करना पड़ेगा पहले। इतने हमारे हो रहे हैं वहाँ, चावल रेडी, मुस्कान कर रही है चावल रेडी, जो कि हम खाएंगे आज आलू की तायरी। फोन उठा यार किसका आ रहा है, फाइनली ये लाइट हो गई हमारी असम्बल, अब इसको इसके अंदर लगाने की तैयारी है, कि ऐसे करके इसके अंदर ऐसे फिक्स हो जाएगी, रस्सी से बांधना पड़ेगा। तो पहले लगाते हैं यार, लाइट काफ़ी अच्छी है यार, बढ़िया है, रस्सी उससे टेप वेप से इसकी वायरिंग करनी पड़ेगी। फाइनल स्टेज पर मैंने लाइट कर दी है कुछ ऐसे करके फिक्स, अभी देखो भाई ये काम चलाना पड़ रहा है जुगाड़ पानी करके, अगर ये मेरा जुगाड़ सक्सेस हो गया तो बल्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है, इससे ही बेटर काम हो जाएगा, और मुझे ये नहीं पता कि मिशन सक्सेस होता है या फिर नहीं। बाकी मैंने पूरा कवर कर दिया, अब अच्छा लग रहा है ना कवर करके पूरा, अब चलते हैं अंदर लेके इसको और चला के देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। इसको सेट कर दिए फिलहाल हमने अपने एंगल पर, अब इसका प्लग लगा के देखते हैं भाई। करें स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट, ओ वाओ जगमग कर दिया भाई, जगमग कर दिया, ये तो अकेली ही लाइट काफ़ी है, बहुत है यार इतनी रोशनी, बढ़िया फोकस मार रही है, देखो यहाँ पर मेन फोकस हमें यहाँ चाहिए और यहीं, देखो कितनी रोशनी आ रही है, क्यों मिशन सक्सेस। साथ में मैंने एक बड़ा और काम कर लिया है, छतरी जो हमारी टूटी हुई थी इसको भी 5 रुपये की फेविक्विक से जोड़ दिया, 200 रुपये की छतरी 5 रुपये की फेविक्विक में काम हो गया, चलो जी बढ़िया है, आशा करते हैं कि दोबारा टूटे नहीं यार ये, बस ये बंद नहीं हो सकती, ये इसकी शर्त खुली रहेगी, ये छतरी लगेगी ना ये इसके आगे, बहुत तेज़ ब्राइट हो रहा है यार, फोकस ख़राब हो रहा है सारा। तो अब टाइम हो गया हमारा आलू की तायरी खाने का, क्या बना कर देखो, मैंने यार चला कर देखी है ना फ्रेमिंग करके, फोकस ख़राब हो रहा है सारा, ब्राइट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा फेस, इसलिए छतरी जो है ना फोकस को फैलाती है। अरे ये कम है 50 वोल्ट में, ज़्यादा ब्राइट वाली 200 वोल्ट में थी, मैंने कहा भाई ये कुछ नहीं करना हमें, फिलहाल तो खाना खाते हैं आलू की तायरी मसाले के साथ। रात के 2:15 का वक्त हो रहा है, मैं अभी तक गैलरी में बैठा हुआ हूँ, यानी कि 2 घंटे हो गए मुझे बैठे बैठे, 12 बजे से बैठा हूँ, और अब मेरी चाय बनकर आ गई है, यानी कि रेडी हो गई मेरी चाय, साथ ही साथ में मेरा
बिस्किट जो कि मैं अभी फिलहाल खाने वाला हूँ, उसका आनी बैठी है, हवा चल रही है काफ़ी तेज़, छाता मैंने जोड़ दिया है और मुझे नींद भी आ रही है। ब्लॉग मेरा एडिटिंग पर लगा हुआ है, आधी एडिटिंग मेरी हो गई, आधी बाकी रह गई है। 99वां ब्लॉग कंप्लीट हो गया है, बस एक बाकी रह गया है जिंदा सोने में। क्यों, क्या करना है? सो ब्लॉग हाउ टू फील, कितनी रातों की नींद है कसम से, कितनी रातों की नींद मेरी ख़राब है। सो व्लॉग के अंदर मैं रातों को जाग जाग के व्लॉग एडिट करता हूँ और अभी तक हमारा व्लॉग का पेमेंट नहीं आया, अभी तक नहीं आया हमारे व्लॉग का पेमेंट। अभी आने में बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम। सपोर्टिंग थोड़ा कम मिलता है यार, बस ये सपोर्टिंग अगर अच्छा खासा मिल जाए ना तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आए, ताकि हमें लगे कि हमारी जो मेहनत है वो रंग लेकर आई है। चलो एक दिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी उम्मीदों पर कायम है। बस इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, हम कर रहे हैं चाय के साथ में एंजॉय, साथ में हमारा चल रहा है बिस्किट। बाकी ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।